ओके सो अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू अगेन. कैन आई हैव अ रिप्लाई बैक? वालेकुम अस्सलाम. ओके दैट्स गुड. अच्छा जी अलीजे राबिया एंड तहा बेटा टर्न ऑन योर माइक्स. आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू ताकि पता तो लग जाए ना पढ़ने के क्या वाले हैं. एंड दैट इज यस क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे. यस अच्छा जी we are going to start from chapter 5 a terrible quarrel. okay yahan se hum log aaj apni class inshallah aagaaz karenge start karenge. to sabse pehle to pichli classes mein we have studied ke kaise kaise kya kya hua Wuthering Heights mein hai na ji. acha ji humne kal ki class mein humne yahi padha tha ke Nelly ne ahd kar liya tha ke bhai ab jo hai main हीट क्लिप की एक एक मूवमेंट पर नजर रखूंगी. ऐसा ही है ना? यस यस सर जी बिल्कुल. क्योंकि नेली को ऐसी वाइब्स आ रही थी कि हीट क्लिप इज गोइंग टू डू समथिंग टेरिबल और हीट क्लिप नेली को उस बीस्ट की तरह लग रहा था कि जो इंतजार कर रहा हो कब मुझे मौका मिले और वुदरिंग हाइट्स और थ्रश क्रॉस ग्रांच पर हमला कर दूं अचानक से. अच्छा जी चले जी. A terrible quarrel. Alan sees Hatton again. Sometimes, while thinking of these things, I would get up in sudden terror and put on my head to go and see how everything was going at Wuthering Heights. I persuaded myself that it was my duty to warn Mr. Hindley how people were talking about him and his bad ways. अच्छा जी. तो ताहा एंड अलीज़े, better turn off your mics, please. कहा बेटा यू टू टर्न ऑफ योर माइक प्लीज. आई आस्क यू टू टर्न ऑन योर कैमरा नॉट माइक. अच्छा जी तो मोहतरम स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम लाइन नंबर 5. आई परसुएडेड मायसेल्फ दैट इट वाज माय ड्यूटी टू वार्न मिस्टर हिंडले हाउ पीपल वर टॉकिंग अबाउट हिम एंड हिज बैड वेज बट देन आई रिमेंबर्ड his determination to be wicked and I was too afraid to go back to that dark unfriendly house. kya kehti hai ye Nelly kehti hai ki kabhi kabhi mujhe aisa lagta tha ki un cheezon ke bare mein sochte hue ki bhai mujhe uthna chahiye acha ki sorry kehti hai sometimes while thinking of these things I would get up in sudden terror. acha ji kehti hai kabhi kabhi. okay taha beta can you hear me what's your question? I just saw your hand raise. Sir, yes, sir. Sir, आप कहाँ से पढ़े हैं? आप एक दफा बता देंगे? बेटा page number 5. Oh sorry, chapter number 5, page number 40. A terrible quarrel. मिल गया आपको? Okay sir. Okay good. तो यहाँ पर Nelly कहती है कि कभी-कभी इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए यानी कि हीथक्लिफ के बारे में सोचते हुए हिंडले के बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं उन बातों को सोचते हुए और अब थ्रश क्रॉस ग्रेंज में और हीथक्लिफ और वुदरिंग हाइट्स में हीथक्लिफ का जो बढ़ता हुआ खराब इन्फ्लुएंस है उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहती है कभी कभी मैं अचानक खौफ के मारे उठ बैठ खड़ी हो जाती अपना हेड पहनती और क्या करती एंड गो एंड सी हाउ एवरीथिंग वॉज एट वुदरिंग हाइट्स. सही कि भाई वुदरिंग हाइट्स में सब कुछ कैसा चल रहा है ये देखने जाती. कहती है आई परसुएडेड मायसेल्फ मैंने अपने आप को इस बात पर आमादा कर लिया था कि ये मेरी ड्यूटी है कि मिस्टर हिंडले को वार्न करूं जाकर उनको बताऊं कि लोग उनके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं. सही कहती है लेकिन फिर मुझे याद आ जाता. क्या याद आ जाता? कि मिस्टर हिंडले के जो अजम किया था मिस्टर हिंडले ने जो इरादा किया था कि हाँ अब मैं मक्कार बन के दिखाऊंगा I would prove myself to be wicked. उन्होंने कहा था कि मैं अब अपना आपको विकेट जो है मक्कार साबित करके दिखाऊंगा. तो कहती है इसी वजह से मैं डर ये भी याद आ जाता और मैं डर भी जाती कि वापसी से उस अंधेरे और अनफ्रेंडली हाउस में जाने के लिए क्योंकि हमने पढ़ा था वुदरिंग हाइट्स में किस तरह की सुलूक होता था नेली के साथ
किस तरह का सुलूक होता था हीत किलित के साथ, मतलब वहां पे हिंडले जो था वो हर किसी को तंग करके रखता था। और उसने जाहिर है कि मिस्टर मिस नेली को जो है निकाल भी दिया था। उसने कहा था कि चूंकि वुदरिंग हाइट्स में देयर इज नो एनी वुमन इन द वुदरिंग हाइट्स, सो यू शुड गो विद योर मिस्ट्रेस मींस कैथरीन, क्या आप कैथरीन के साथ चली जाइए। अच्छा जी, अरहम बेटा टर्न ऑफ योर माइक। अब मुझे ये बताइए, रजा अली, रजा अरहम और बस आप दोनों, क्योंकि आप दोनों लेट आए, आप लोगों को पता है ना मैं कहां से पढ़ रहा हूं? डू यू गाइज नो? रजा, रजा डू यू नो? नो सर। ओके अरहम, रजा, रजा डू यू नो दिस? आपको पता ही है? अच्छा मैं बता रहा हूं, इफ अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कहां से पढ़ रहा हूं। रजा को पता हो कि रजा ने हमें चैट में जवाब दे दिया। अरहम बेटा वी आर ऑन पेज नंबर 40। ओके ओके सर। अ टेरिबल क्वारल चैप्टर 5 एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 9। ओके द सेकंड पैराग्राफ लाइन नंबर 9। वंस आई पास द ओल्ड गेट गोइंग आउट ऑफ माय वे on a journey to Gimmerton. I remembered childhood games I had played there with Hindley. And the next moment, I thought I saw him as he was when we were children. Suddenly, I felt a deep wish to be at the heights. Perhaps the figure meant that Hindley was very ill or even dying. The nearer I got to the house, the more worried I grew. When I saw it, I trembled all over, looking out through the garden gate. Was the figure of the child I had just seen, as if it had got there before me. अच्छा जी, क्या कहती हैं अभी ये? कहती हैं एक दफा जो है मैं उस पुराने गेट के पास से जब गुजरी, सही, going out of my way, अपने रास्ते से, कहती हैं जाते हुए जब वो गेट जो गुजरा, गेट के पास से जब मैं गुजरी अपनी जर्नी पर, कहाँ जा रही थी वो? थ्रश क्रॉस ग्रेन से गिमर्टन की जानिब जा रही थी नेली। कहती है जब मैं वहां जाते हुए मैंने देखा तो मुझे अपने पुराने बचपन के दिन याद आ गए। जैसे कि कभी आप लोग, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल वालों के साथ आप लोग ड्रीम वर्ल्ड शायद के गए हैं, है ना? अब अगर कभी आप लोग अपनी फैमिली के साथ कभी जाते हैं ड्रीम वर्ल्ड, तो आपको याद होता है, अरे मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया था, मैंने कितना एंजॉय किया था, एंड सो ऑन। सही, इसी तरह से बिल्कुल इन द सेम वे, इसी तरह से जो है नेली को भी बचपन के दिन याद आने लगे, वो खेल याद आने लगे जो वो वुदरिंग हाइट्स में खेला करती थी। कहती है परहैप्स, और फिर उसको अचानक से ऐसा लगा कि शायद उसने किसी को देखा है। सही, आई थॉट आई सॉ हिम एज ही वाज व्हेन वी वर चाइल्ड। अच्छा, कैसा देखा है? कि जैसे बचपन के अंदाज में, मतलब जब वो लोग हिंडले जब बच्चा था, जब बचपन में जैसा दिखता था, तो नेली कहती है मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने हिंडले को देखा है, जैसा वो बचपन में दिखता था बिल्कुल वैसा ही देखा है। अच्छा जी, और कहती है फिर इसी की वजह से क्या हुआ, मुझे अचानक से बहुत ज्यादा मेरा दिल चाहने लगा कि मैं अब वुदरिंग हाइट्स में जाऊं, सही, और हिंडले को देखूं। कहते शायद के जो मैंने देखा था, मतलब जो फिगर थी उनको एक ऐसे ही अंदाजा हुआ था नेली को, मतलब एक होता है ना जी अंदाजा हो जाना, कि ऐसा लगा शायद यार ऐसा हो। तो कहती जो फिगर मुझे नजर आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि शायद के मैंने इनको देखा है, उसका मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई जैसे के हो सकता है कि हमारे कोई बात नहीं बेटा, वो कहने लगी हो सकता है कि शायद के उस फिगर का मतलब है कि हिंडले बहुत बीमार है, या इतना बीमार के जैसे वो मरने वाला है। अच्छा जी, कहते हैं जैसे ही मैं घर के करीब करीब जाती, वैसे ही मैं और ज्यादा जो है परेशान हो जाती, और ज्यादा वरीड हो जाती। अच्छा जी, फिर कहती हैं और जब मैंने उससे देखा तो ट्रैम्बल करने लगी। ट्रैम्बल का मतलब समझते हैं आप लोग? व्हाट डज ट्रैम्बल मीन? डरना। नहीं, शेकी मूवमेंट। ट्रैम्बल जी, मतलब जी, मतलब कि नेली जैसे शेक हो गई थी, बिल्कुल कांप जाना, सही है, ट्रैम्बलिंग कर देना, कांपते कांपते चलना, सही, इसका मतलब ये होता है। अच्छा जी, कहती आई ट्रैम्बल्ड ऑल ओवर लुकिंग आउट थ्रू द गार्डन गेट was the figure of child I had just seen,
as if it had got there before me. That was my first idea when I saw a brown-eyed boy with his face pressed against the bars. Then, when I was able to think a little more calmly, I realized that this must be Hatton, my Hatton. He was not greatly changed since I had left him 10 months before. आई समझ में? कहती है जब मैं वहां से करीब गुजरी तो मुझे एक बच्चा दिखा. अच्छा, उस बच्चे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद कि इस बच्चे को मैंने पहले भी देखा हुआ और मुझसे पहले वो पहुंच गया. कहती है और जब मैंने उस बच्चे को देखा, ब्राउन आंखें वाले बच्चे को, यानी कि ब्राउन को कहते हैं भूरी आंखें वाले बच्चे को, जब मैंने देखा, सही, जिसने अपना फेस जो था वो बार्स होती है ना गार्डन पे, जो बार्स लगी हुई होती है फेंसिस के साथ साथ, कहती है उसने अपना चेहरा उससे लगाया हुआ था, और जब मैंने उसको ऐसे देखा तो मुझे याद आया कि वो कौन है. मुझे समझ आ गया कौन है वो. हैरिटन. जी, हैरिटन है. अच्छा जी, कहती है हैरिटन, मेरा हैरिटन, क्योंकि हैरिटन को नेली ने पाला था. सही. और जब और वो कहती है ही वाज नॉट ग्रेटली चेंज्ड सिंस ही लेफ्ट हिम 10 मंथ्स बिफोर. और जब 10 महीने पहले मैं वहां से गई थी, मतलब उसके बाद से अब तक इतना ज्यादा उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई. अच्छा जी, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग, आई क्राइड, फॉरगेटिंग एट वंस माय फुलिश फियर्स. हैरिटन, इट्स नेली, नेली योर नर्स. ही मूव्ड बैक आउट ऑफ माय रीच एंड पिक्ड अप अ स्टोन. I've come to see your father, Hatton, I added. I guessed from the way he behaved that I was not recognized as Nelly, if he remembered her at all. He raised his hand to throw the stone. I started to speak to him, to calm him, but it did no good. The stone struck my head. Then the child started to swear at me, shouting horrible words that are not fit to be heard from anyone, especially a child, almost ready to cry. I took an orange from my pocket and offered it to him. I hoped in this way to make friends with him. He hesitated and then grabbed it from me. I showed him another, keeping it out of his reach. Who has taught you these terrible words? I asked. The priest is a stupid, and you too. Give me that, he replied. Who's your master then? Tell me, and you shall have it. Devil Daddy, was his answer. And what do you learn from Daddy? I continued. Nothing, but to keep out of his way. Daddy doesn't like me because I swear at him. And the devil teaches you the swear at Daddy? No, Heathcliff. समझ आ रही है बात आप लोगों को यहां तक के? क्या हुआ जब नेली ने हित की रिफ थोड़ी आया अभी तो ये अभी देखें जब जी हित की रिफ ने उसको सिखाई हुई है ये बातें. अच्छा जी, तो क्या हुआ देखें अब हम जरा इसको जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था हम इसको वहीं से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं. तो उसने बोला कि भाई गॉड ब्लेस यू माई डार्लिंग. नेली ने कहा हैरिटन को, कहती है मैं वो चिल्लाई, मतलब जब मैंने हैरिटन को देखा, जब हैरिटन को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई ये तो मेरा हैरिटन है. सही. तो कहती है हैरिटन को रिकॉग्नाइज करते हुए जैसे उसने हैरिटन को पहचाना वो अपने सारे खौफ भूल गई. जैसे वो डर रही थी ना पहले कि मैं कहीं जाऊं कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं हिलने मर ना रहा हो, इतना बीमार ना हो, इस तरह की बातें वो सोच रही थी. तो कहती है जैसे ही मैंने हैरिटन को देखा मैं अपने सारे खौफ भूल गई. अच्छा जी, और उसके पास जाके बोला हैरिटन देखो ये मैं हूं नेली तुम्हारी नर्स. अच्छा जी, तो हैरिटन ने क्या किया, 10 महीने हो चुके थे नेली को वहां से गए हुए, हैरिटन फौरन से पीछे मुड़ा, बैक हुआ. सही. अच्छा जी, कहती है और मुझे ऐसा लगा कि शायद जिस तरह से उसने बिहेव किया है हैरिटन ने वो मुझे पहचाना नहीं होगा. ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि जब अगर एक बच्चा किसी को पहचान लेगा तो वो जाके उससे मिलता है, लेकिन जब कोई बच्चा आपको कोई स्ट्रेंजर अगर आपको कोई मिलता है तो क्या करते हैं आप लोग, फौरन से पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, पहचानते ही नहीं है. इसी तरह से हैरिटन ने भी नहीं पहचाना और हैरिटन पीछे हो गया. उसने क्या किया, अपना हाथ उठा लिया और हाथ में उसने पत्थर उठा लिया नेली को मारने के लिए. नेली ने उससे बात करनी शुरू की ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए, सही है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और स्टोन जो था वो नेली के हेड पर जाकर लगा. शुक्र है हेड पर नहीं लगा,
नेली के कैप पर हेड जो पहनी हुई थी उसके हेड पर जाकर लगा स्टोन। अच्छा जी, फिर बच्चे ने क्या किया, उसने स्वेयर करना शुरू कर दिया। स्वेयर समझते हैं आप लोग? गालियां देना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, बहुत खराब बातें बोलनी शुरू कर दी नेली के बारे में। नेली कहती है ऐसे अल्फाज कि जो किसी के भी मुंह से सुनना तो पसंद ही नहीं करेंगे आप, खास तौर पे एक बच्चे के मुंह से। सही, और ऐसा था कि जैसे बस अब रोने वाला है बोलते बोलते। आई टुक एन ऑरेंज फ्रॉम माई पॉकेट। सही है, कहती है तो मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट रेडी टू क्राई, मतलब जब वो उसने सुना तो उसने जो क्या किया, अपने एक पॉकेट से एक ऑरेंज निकाला और उसको ऑरेंज खाने के लिए दिया। उसको ऐसा लगा कि शायद वो इस तरह से हैटन को अपना दोस्त बना लेगी। सही है जी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, कहते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाया और उसने फिर क्या किया, मेरे हाथ से ग्रैब कर लिया। ग्रैब मतलब होता है छीन लेना। सही है, उसने ग्रैब कर लिया। कहती है फिर मैंने उसको एक और दिया और उसको इस बार थोड़ा सा उससे दूर रखा और फिर उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हें ये इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज किसने सिखाए हैं? प्राइस ने। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर्स में, जब मिस कैथरीन की शादी हो गई थी एडगर से, तो हिंडले ने कहा था कि भाई कैथरीन, एक मिनट बेटा, सर कैन यू मार्क माय अटेंडेंस प्रेजेंट राइट नाउ? ओके बेटा लीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा, लेकिन जब तक आपका मोबाइल ऑफ नहीं होता आई वुड सजेस्ट कि उस वक्त तक आप हमारे साथ बंधी रहें, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। ओके जी, तो जो हमारी बात चल रही थी, हिंडले ने कहा था कि भाई नेली को आप चली जाए, नेली यहाँ से, क्योंकि कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं है अब हमारे पास, तो आप भी ना रहे, आप भी चली जाए। फिर उसके बाद प्राइस आ गया तो उसकी देखभाल करने के लिए, तो कहते क्या तुम्हें प्राइस ने सिखाई है ये सारी बातें? तो बच्चा जो होता है हैटन, देखे वो कितनी कहते हैं प्राइस तो बेवकूफ है और तुम भी हो, लाओ मुझे वो दो। अच्छा जी, फिर कहती है फिर तुम्हारा मास्टर कौन है, कौन तुम्हें सिखाता है, कौन तुम्हारा टीचर है? अच्छा, फिर क्या कहता है, कौन है टीचर? डेविल टेडी, शैतान डेडी है मेरे टीचर। अच्छा जी, और क्या कहती है, तुम्हें डेडी नहीं, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम डेडी, और तुम डेडी से क्या सीखते हो? कहता है नहीं, कुछ भी नहीं सीखता, बल्कि सिर्फ क्या चीज सीखता हूँ कि मैं उनके रास्ते से हटा रहूं, मतलब डैडी के सामने ना आऊं। सही, अपने काम से काम रखूं, डैडी के कामों में इंटरफेयर ना करूं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे, उनके लिए भी, आई स्वेयर एट हिम, क्योंकि मैं उनको भी जो बुरी भली बातें बोलता हूँ। कहती है और डेविल ने तुम्हें ये सारी चीजें सिखाएंगे कि डैडी पर स्वेयर कर? कहती है नहीं भाई, कहता है नहीं, मुझे तो ये किसने सिखाया है? हीथक्लिफ ने सिखाया है। अब समझ आई थोड़ी बहुत कहानी आप लोगों को, कि हीथक्लिफ देखें एक तरफ तो वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज जाता है, हीथक्लिफ तो अभी अभी आया था, उसने सिखाया उसको, अभी अभी थोड़ी आया था भाई, कुछ दिन गुजर चुके हैं। हमने अभी पढ़ा तो था इसमें कि भाई हीथक्लिफ ने क्या किया, रेगुलर आना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो वो बहुत कम आता, उसके विजिट्स भी नॉर्मल होते थे, याद होगा आपने, हमने आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और फिर कैथरीन जो कि जब नया नया हीथक्लिफ आया था, हीथक्लिफ की बातें ही बातें हो रही थी सारा का सारा दिन, किससे? एडगर से। जब उसने देखा कि भाई एडगर को भी परेशानी हो रही है हीथक्लिफ की बातें करने में, तो सॉरी कैथरीन ने भी हीथक्लिफ की बातें करनी बंद कर दी थी एडगर से। लेकिन हीथक्लिफ कभी कभी आ जाया करता था, फिर उसके विजिट्स रेगुलर हो गए थे, अभी हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। अच्छा जी, अरहम बेटा, वी आर ऑन पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 एंड लाइन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। अच्छा जी, सो अब स्टार्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब हम अगेन। आई आस्क्ड इफ ही लाइक्ड मिस्टर हीथक्लिफ, यस ही रिप्लाइड, ही ट्रीट्स मी, he treats my father the way my father treats me, he swears at daddy for swearing at me, he says I may do as I please, and the price does not teach you to read and write anymore. Now I was told the price will have his teeth pushed down his throat if he dares to come near Wuthering Heights. That's what Heathcliff says. I put the orange into his hand and told him to tell his father that Nelly Dean was waiting to speak to him. He went in, but instead of Hindley coming out, it was Heathcliff who appeared at the door. I turned away and ran down the road as fast as I could. Something terrified me about that black
figure standing there in the doorway of Wuthering Heights. समझ आया आप लोगों को? जी बेटा, are you listening me? अभिया, can you hear me? Yes sir. Okay, good. अच्छा जी, अब जरा हम देख लेते हैं भाई फिर. तो कहता है कि भाई, नेली कहती है, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तुम्हें हीथ की लिफ पसंद है? उसने कहा भाई हाँ, मुझे तो हीथ की लिफ पसंद है. वो मेरे फादर को उसी तरह से ट्रीट करता है जिस तरह मेरे फादर मुझे ट्रीट करते हैं. मेरे फादर मुझे बुरा भला कहते हैं, तो हीथ की लिफ जो है मेरे फादर को बुरा भला कहता है, और वो मुझे कहता है कि मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूँ. अच्छा जी, तो उसने, नैली ने पूछा कि भाई तो क्या जो प्राइस है वो तुम्हें मजीद लिखना पढ़ना नहीं सिखाता है, रीडिंग एंड राइटिंग? कहता है नहीं, मुझे बताया गया था कि प्राइस को उसने क्या बोला, द प्राइस विल हैव हिज टीथ पुश डाउन हिज थ्रॉट इफ ही डेयर्स टू कम नियर वुदरिंग हाइट्स. हीथक्लिफ ने प्राइस को भी देखे मना कर दिया कि अगर वो वुदरिंग हाइट्स के करीब आया तो उसके वो दांत तोड़ देगा. आई बस समझ में. I put the orange into his hand. कहती है मैंने अपना orange उसके हाथ में रखा, सही, and told him, और उससे कहा कि भाई जाओ अपने वालिद को बताओ जाकर, यानी कि father को बताओ जाकर कि Nelly Dean बाहर इंतजार कर रही है, आपसे मिलने आई है, आपसे बात करना चाहती है. वो अंदर गया, लेकिन हिंडले के बाहर आने के बजाय कौन बाहर आ गया? Heathcliff. Heathcliff बाहर आ गया, बिल्कुल. कहती है मैं पीछे मुड़ी और भागना शुरू कर दिया, इतनी तेज भागी जितनी तेज मैं भाग सकती थी. कहती है समथिंग टेरिफाइड मी, किसी चीज ने मुझे डरा दिया था हीथक्लिफ को देखकर. मतलब जब उसने हीथक्लिफ को देखा वुदरिंग हाइट्स के दरवाजे पर हिंडले के बजाय हीथक्लिफ बाहर आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डर गई उसको देखकर, और भागती भागती थ्रश क्रॉस आ गई. यहां तक के बात क्लियर हो गई? Yes. अब देखे यहां पर एक सवाल आता है. अब सवाल क्या है कि प्राइस क्यों को क्यों मना किया हीथक्लिफ ने कि भाई अब तुम यहां पर इसको पढ़ाने नहीं आना. दिस इज द क्वेश्चन. ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को, क्यों मना किया होगा? सर क्योंकि वो उससे बदला लेने के लिए उसके बच्चे को बिगाड़ना चाह रहा है. एग्जैक्टली द पॉइंट इज वेरी गुड ताहा, बहुत जबरदस्त तज्जिया है भाई आपका, आप तज्जियाकार बन सकते हैं बड़े होकर. जी बिल्कुल ऐसा ही है. क्या हुआ कि हीथक्लिफ जो है उससे बदला लेने के लिए हिंडले से उसके बच्चे को भी बिगाड़ना चाह रहा है. ये देखें आप कि वो ये नहीं सोच रहा कि यार ये तो छोटा सा मासूम बच्चा है, बल्कि उसको अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए वो हिंडले के बेटे को बिगाड़ना चाह रहा है, ताकि हिंडले का बेटा भी बिगड़ जाए, और फिर हो सकता है कि उसका ये भी प्लान हो कि वुदरिंग हाइट्स का वो नया मास्टर बन जाए. हिंडले को तो उसने, हिंडले क्या कर रहा है आजकल हमने पढ़ा था ना, हिंडले सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग कर रहा है और ताश खेल रहा है, और उसमें भी शर्त पे शर्त हारे जाता है और हीथक्लिफ से पैसे लिए जाता है वो, है ना, हीथक्लिफ से पैसे ले रहा है वो उधार, और शर्त भी हार रहा है अपनी. याद आया? ओके, नाउ हीथक्लिफ एंड इजाबेला. क्या होता है, द नेक्स्ट टाइम हीथक्लिफ केम टू द ग्रेंज, इजाबेला हैपेंड टू बी इन द गार्डन फीडिंग द बर्ड्स. शी हैडंट स्पोकन टू हर सिस्टर इन लॉ फॉर 3 days, बट शी हैड स्टॉप्ड हर ड्रेडफुल कंप्लेनिंग. वी ऑल फाउंड इट मच मोर पीसफुल. हीथक्लिफ हैड नेवर टेकन एनी ट्रबल टू बी नाइस टू इजाबेला. I knew now as soon as he appeared in the garden and saw her, he took a quick look around to make sure that there was no one else there. I was standing in the kitchen by the window, but I drew back so that he could not see me. Then he stepped over to Isabella and said something. She seemed upset and looked as though she wanted to leave him, but he laid his hand on her arm. There was another rapid look at the house. And thinking himself unseen, the devil took her in his arms and kissed her. Wicked! I exclaimed. You are a liar and a cheat too, are you? Who is it, Nelly? Said Catherine's voice at my elbow. I had not noticed her coming.
your worthless friend, I said angrily. Ah, he has seen us. He's coming in. I wonder if he will have a good excuse for kissing Miss Isabella when he told you he hated her. Catherine saw Isabella pull herself free and run out of the garden. A minute later, Heathcliff was opening the door and coming inside. Catherine angrily ordered me to be quiet. To hear you? People might think that you were the mistress, she said. Heathcliff, what have you been doing causing this trouble? I said, you must leave Isabella alone. Please do, unless you want Edgar to forbid you to come here anymore. Let's hope that he does not try, answered the devil. Let God help him to keep his temper. Every day, I want to send him to heaven more and more. अच्छा जी, अब हम जरा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. कहते हैं कि भाई अगली दफा क्या हुआ, जब हीथक्लिफ ग्रेंज आया, थ्रश क्रॉस आया मिस्टर एडगर के घर पे, तो इजाबेला जो थी वो गार्डन में परिंदों को दाना डाल रही थी. अच्छा जी, उसने अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि कैथरीन से 3 दिन से बात तक नहीं की थी. अच्छा हाँ, लेकिन उसने एक काम ये किया था कि उसने अब अपनी कंप्लेन करना बंद कर दी थी. पहले जो थी ना, हमने पढ़ा था कि वो भाई जिस दिन वो रो रही थी तो कह रही थी तुम सब गलत हो, तुम सब एक जैसे हो, मुझे हीथक्लिफ से दूर करना चाहते हो वगैरह वगैरह. अब उसने अपनी कंप्लेनिंग एटीट्यूड खत्म कर दिया था, तो सब लोगों को ये बहुत सुकून आया कि हाँ चलो भाई इसने कंप्लेन करना तो बंद कर दी एटलीस्ट. अच्छा जी, और हीथक्लिफ ने भी जो है इन दिनों में कभी जो है हमारी कौन है कैरेक्टर इजाबेला से अच्छी तरह से बात करने की कोशिश नहीं की है ना. मतलब उसने नाइसली कभी भी बात नहीं की थी इजाबेला से, कहती है मुझे पता थी ये बात सारी. अच्छा जी, अब क्योंकि हीथक्लिफ ने क्या कहा था कि भाई मैं तो उससे नफरत करता हूँ, मुझे इजाबेला नहीं पसंद. उसने कहा था ना कि इजाबेला की आंखें ऐसी हैं जैसी कि शैतान की आंखें, यानी कि मिस्टर एडगर की आंखें, टेरिबल हॉरिबल. अच्छा जी, तो उस वक्त उसने ये कहा था, और तो कहती है कि मुझे पता था कि भाई हीथक्लिफ कभी भी ऐसा ट्रबल नहीं लेगा. अच्छा जी, अब क्या हुआ नाउ, अब जैसे ही हीथक्लिफ गार्डन में आया और उसने इजाबेला को देखा, तो उसने फौरन से क्या किया, इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा. नैली कहती है किचन में खड़ी हुई थी विंडो के पास, लेकिन जैसे ही उसने देखा तो मैंने अपने आप को थोड़ा पीछे कर लिया ताकि वो मुझे नहीं देख सके कि मैं उसे देख रही हूँ. अच्छा जी, फिर क्या हुआ, कहती है फिर वो इजाबेला के पास गया, उसे कुछ कहा, तो इजाबेला बहुत अपसेट नजर आ गई, अपसेट हो गई फौरन से, और ऐसा लगा कि जब ऐसे वो यहां से फौरन से भागना चाहती है. लेकिन उसने क्या किया, फौरन से अपने बाजू, और सही है, अपने हाथ उसके बाजुओं पर रखे, सही, और फिर उसने फौरन से एक और दफा देखा कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा. हालांकि नेली देख रही थी उसको, लेकिन ये सोचते हुए कि कोई उसको देख नहीं रहा, उसने क्या किया, उसको फौरन से किस कर दी इजाबेला को. जैसे ही उसने ये हरकत की तो मिस नेली जो थी उन्होंने फौरन से बोला, मक्कार है ना, तुम झूठे हो और एक चीटर हो. तो ने जी बोले, क्या किया करता जी, जी बेटा कहा बोले, इजाबेला ने क्या किया, इजाबेला ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बेचारी हेल्पलेस हो गई थी. नेली ने बोला, जैसे ही उसने इजाबेला को किस की, नेली ने उसको फौरन से बोला, मक्कार, नेली ने बोला तुम तो झूठे हो और चीट भी हो. तो फिर कैथरीन आ गई पीछे से, क्योंकि नेली किचन में खड़ी हुई थी, नेली को नहीं पता था कि कैथरीन आ गई है. तो कैथरीन ने जब यह सुना तो कैथरीन ने बोला, कौन नेली, किसके बारे में बोल रही हो. तो नेली ने उसको बोला, तुम्हारा बेकार दोस्त, नेली ने गुस्से से बोला. आ उसने हमें देख लिया, वो अंदर आ रहा है. कहती है मैं उम्मीद करती हूँ उसके पास कोई एक अच्छा एक्सक्यूज होगा मिस इजाबेला को किस करने के लिए, जबकि उसने तुम्हें कह दिया था कि वो उससे नफरत करता है. अच्छा जी, कैथरीन ने फिर जब बाहर देखा तो इजाबेला को उसने देखा कि इजाबेला ने अपने आप को छुड़ाया उससे और वो वहां से भाग गई गार्डन से. एक ही मिनट बाद हीथक्लिफ दरवाजा खोल के अंदर आ रहा था कि कैथरीन ने फौरन से नेली को ऑर्डर किया कि भाई खामोश हो जाओ, और कहा कि तुम्हें सुन के तो ऐसा लगेगा कि जैसे तुम मिस्ट्रेस हो यहाँ की, मतलब तुम यहाँ की मालकान हो, मैं नहीं हूँ. अच्छा जी, फिर जैसे ही हीथक्लिफ अंदर आया, शी सेड हीथक्लिफ, जैसे ही वो अंदर आया, What have you been doing causing this trouble? अच्छा जी, I said, उसने कहा कि भाई तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, से ये परेशानी क्यों क्रिएट कर रहे थे. कहती है मैंने, नेली ने कहा उसको कि भाई
तुम्हें इजाबेला को अकेला छोड़ना पड़ेगा, प्लीज उसे छोड़ दो जब तक कि तुम चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एडगर यहाँ आने से बिल्कुल ही मना कर दे। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, सही। अच्छा जी, फिर उसने कहा, किसने किसने कहा, आप किसके डायलॉग है? थी मेरे बच्चों, हीथक्लिफ। किसके डायलॉग है आप? जी बिल्कुल, हीथक्लिफ नहीं नहीं, अब हीथक्लिफ का डायलॉग है। ओ, ओ, हीथक्लिफ से कैथरीन ने हीथक्लिफ से कहा था, अब हीथक्लिफ कह रहा है। क्या कह रहा है? लेट्स होप दैट ही डज नॉट ट्राई, उम्मीद करता हूं कि वो कोशिश भी ना करे। डेविल ने, शैतान ने जवाब दिया, खुदा उसकी मदद करे। किस चीज की? हीथक्लिफ को मना करने की, कि वो अब थ्रश क्रॉस ना आए। तो कहती है, अच्छा फिर कहता है कि खुदा उसकी मदद करे कि उसका उसका गुस्सा उसके काबू में रहे। कहता है क्योंकि हर दिन जो है मैं चाहता हूं कि मैं उसे जन्नत में भेज दूं। मतलब जी, मतलब बताइए। हीथक्लिफ चाहता है कि उसको जन्नत में भेज दे। जी मतलब कि उसे मारना चाहता है। उसने टॉन्ट करने वाले अंदाज में बोला ये, जन्नत में भेज दूं यानी कि उसे मार दूं। ओके बेटा रजा, हम लोग पेज नंबर 43 पर हैं। ओके पेज नंबर 43 अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ओके तो जो हम पढ़ रहे थे, अरहम एंड तहा, बेटा प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। हश सेड कैथरीन, डोंट मेक मी एंग्री, डिड शी कम अक्रॉस टू यू ऑन पर्पस? What does it matter to you? He muttered. I have a right to kiss her if she wants me to. You have no right to object. I'm not your husband. You needn't be jealous of me. I'm not jealous of you, replied the mistress. Sir, आपकी आवाज़ I'm worried आ रही है। बेटा और किसी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Okay, बेटा ताहा, there must be some connectivity issue. क्योंकि सब बच्चों को तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है, अगर आपको नहीं आ रही तो इट मींस कि आपकी तरफ से इंटरनेट आ रहा है। ओके दैट्स गुड। अच्छा जी, गुड गुड। अब क्या हुआ? कहती है व्हाट डज इट मैटर टू यू, हीथक्लिफ ने कहा, आई हैव अ राइट टू किस हर इफ शी वांट्स मी टू, यू हैव नो राइट टू ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट योर हस्बैंड, यू नीडंट बी जेलस ऑफ मी, आई एम नॉट जेलस ऑफ यू, रिप्लाइड द मिस्ट्रेस, आई एम वरीड अबाउट यू. If you like Isabella, you shall marry her. But do you really like her? Tell the truth, Heathcliff. There, you won't answer. I'm certain you won't. And would Mr. Edgar approve of his sister marrying that man? I asked. I shall make sure that Edgar approves, she replied. He needn't bother to worry about it, said Heathcliff. I don't need his approval. And as for you, Catherine, I have a few things to say to you while we are here. I want you to realize that I know you have treated me badly, really badly. Do you hear? And if you think that I don't know it, you are a fool. And if you think that you can make me happy by again with a few soft words, you are even more of a fool. And if you think that I'll suffer without revenge, I'll convince you otherwise in a very short time. Meanwhile, thank you for telling me your sister-in-law's secret. I swear I'll make the most of it, even if it means going against your wishes. I have treated you badly, Catherine replied in amazement. And you'll take your revenge? You appear determined to create a quarrel. I want no revenge on you, replied Heathcliff. Less strongly and the conversation ended. अच्छा जी, फिर क्या हुआ? कैथरीन ने कहा कि भाई हीथक्लिफ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ऊपर से हम पढ़ रहे हैं, जब हीथक्लिफ ने कहा था ना कि मैं तो हर रोज उसको मारना चाहता हूं, तो कैथरीन ने कहा हीथक्लिफ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या वो जानबूझकर तुम्हारे सामने आई थी? कौन? इजाबेला। अच्छा जी, तो हीथक्लिफ कहता है कि भाई इससे तुम्हारा क्या लेने देना, तुम्हें क्या मसला है इससे, मेरे पास हक है। अगर वो भी चाहती है कि मैं उसे किस करूं तो मेरे पास हक है कि मैं उसे किस कर सकता हूं। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि इस बात पर ऑब्जेक्शन करने का, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं तो तुम जलो मत मुझसे।
तो कैथरीन कहती है कि भाई मैं तुमसे जल नहीं रही, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम्हें इजाबेला पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई वो पसंद है? सच बताना है हीथक्लिफ, पर मुझे पता है कि अब तुम जवाब नहीं दोगे मुझे। और फिर नेली ने बीच में सवाल किया, अगर चलो इसको पसंद भी है, तो नेली ने जवाब सवाल किया कि भाई क्या मिस्टर एडगर उसकी शादी होने देंगे, इस बात से रजामंद होंगे कि वो हीथक्लिफ जो है उनकी बहन से शादी कर ले? अच्छा जी, I shall make sure that Edgar approves, she replied. Catherine ने जवाब दिया कि भाई मैं इस बात की यकीन दहानी करवाती हूँ या करवाऊंगी कि भाई एडगर जो है इस बात की इजाजत दे दे, यानी कि एडगर भी रजामंद हो जाए। अच्छा जी, अरहम साहब, बेटा अभी नहीं ओवर हुआ, अभी 3 मिनट बाकी है, बस हम ओवर करने वाले हैं। अच्छा जी, अब जो है ये लास्ट का जो पैराग्राफ है, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखें हीथक्लिफ ने, मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँ कि हीथक्लिफ ने क्या किया। हीथक्लिफ ने इन लोगों को बताया कि भाई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके अप्रूवल की भी नीड नहीं है, कैथरीन एडगर की अप्रूवल की भी नीड नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ये रियलाइज